नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ रीना जी हैं जो 20 सालों से डेरा सच्चा सौदा संस्था में आ रही हैं। इनके साथ सीधी बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा संस्था के लिए, वैसे डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह चिंसा के लिए। रीना जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। 20 सालों से आ रही है मैम डेरा सच्चा सौदा संस्था में। हाँ जी, कैसा महसूस करती है मैम? बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत इतना बेटर फील होता है यहाँ पे आने से। इतना मतलब कि घर में होता है कि थोड़ा मन दुखी हो जाता है, फिर यहाँ पे आने से थोड़ा अच्छा लगता है। साल दो साल सुरक्षित महसूस करते हो मैम आश्रम में? बहुत अच्छा सुरक्षित महसूस करते हैं, घर से भी ज़्यादा अच्छा सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसा यहाँ पे कुछ वो नहीं है। कभी भी ऐसा लगा हो जैसा मीडिया में दिखाया जाए? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, मीडिया वाले कुछ ऐसा नहीं लगता यहाँ पे। तो बहुत अच्छा बेटर फील होता है, बट कि इतना वहाँ पे नहीं सुरक्षित महसूस करते हम घर पे जितना हम यहाँ पे करते हैं। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं संत जी के ऊपर, वो सब झूठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं लगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर सच क्या है? फिर असल में संत डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह चिंसा ने क्या किया है समाज के लिए? उन्होंने बहुत सी बुराइयाँ छुड़ाई हैं, इतने मतलब कि इतने उनके कार्य किए हुए हैं यहाँ पे, 133 कार्य चलाए हुए हैं उन्होंने। बहुत उनके बारे में क्या कहे, कहने सुनने से परे हैं उनके बारे में। तो बस काफ़ी अच्छा है, उन्होंने बहुत कार्य ऐसे किए हुए हैं, लोगों की बुराई छुड़वाई है और काफ़ी अच्छे। क्या आज उनकी ज़रूरत है समाज को? बहुत ज़रूरत है, सबको जरूरत है उनकी, उनके उनके जैसे संत की तो सबको जरूरत है। क्या अपील करना चाहोगे, क्या मांग करना चाहोगे आप सरकार से? हम तो यही मांग करना चाहेंगे कि वो बहुत जल्द से जल्द हमारे बीच में यहीं पे हो, और उन्हें भी पता लगना चाहिए वहाँ पे, चलो बुराई जो भी जिस कार्य के लिए गए हुए हैं उन्हें भी पता लगना चाहिए कि भी ऐसे संत की तो देखो सबको जरूरत है, हमें अपने बीच में ही चाहिए वो। वैसे बहुत हमें उनके बिना ऐसा यहाँ पे फील होता है कि भी वो हमारे बीच में हो जल्द से जल्द। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार डिमांड बढ़ रही है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह चिंसा की। आप भी लोग भी अपनी राय डालते रहिए कमेंट बॉक्स में, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।